तो गाइज आ चुके हैं हम मणि पर्वत, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल है। गाइज हमारे रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है, जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ जा रहे होते हैं, रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ती है। अयोध्या नगरी के पास जब बजरंगबली पहुंचते हैं, भरत जी उनको देखते हैं। भरत जी को लगता है कोई शत्रु हमारे अयोध्या नगरी पर आक्रमण करने आ रहा है। इस वजह से भरत जी बाण मारकर हनुमान जी को जमीन पर गिरा देते। बाद में पता चलता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण को बचाने के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण को बाण लगी। तो इस बात को जानकर भरत जी को बहुत ज़्यादा पछतावा होता। पुनः जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर जाने लगते हैं, तभी संजीवनी बूटी का कुछ टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिससे आज हम मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। गाइस फिर चलते हैं, आप सबको मणि पर्वत दिखाते हैं। तो गाइस जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको दिखाई देता है बहुत ही प्राचीन कुछ मंदिर और उसमें बने कुछ कमरे। तो गाइस फिर हम आगे चलते हैं इसके टॉप पर और वहाँ से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। गाइस ये पूरा एरिया जिस पर हम खड़े हैं, चारों तरफ जो ऊंचा सा स्थान है, इसी को हम मणि पर्वत कहते हैं। इसके चारों तरफ जंगल जैसा दिख रहा है। यहाँ से आप अयोध्या के सारे इलाके देख सकते हैं। गाइस ये देखो, एक बहुत ही पुराना मंदिर है, लेकिन अभी इसमें लॉक लगा है, इस वजह से इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से इस मंदिर को हम दिखाते हैं। गाइस मणि पर्वत रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सावन महीने में झूला उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है माता सीता जी यहाँ पर झूला करती थी, इस वजह से यहाँ पर झूला उत्सव मनाया जाता है। उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, राम भक्त का तांता लगा होता है।